हेलो दोस्तों, क्या आप अपने दोस्त की व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी ही व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको उनसे मांगना पड़ता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से भी मांगना नहीं होता। आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस को देख करके यानी कि सीन करके ही, वॉच करके ही आप अपने ही मोबाइल में वो स्टेटस सेव करके रख सकते हैं और अपने ही स्टेटस में लगा सकते हैं या किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, तभी आप जान सकते हैं कि ये इसको सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो व्हाट्सएप स्टेटस सेव करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, बस उसको आपको अप्लाई करना है और कोई थर्ड पार्टी ऐप्स का भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो आपको सिंपल सी व्हाट्सएप खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप खोल लिया। ठीक है, अभी आपको जाना है व्हाट्सएप स्टेटस पर। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस करने के बाद आप किसी का भी, यहाँ से किसी का भी स्टेटस आप सीन कर लीजिए। ठीक है, वॉच कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये वॉच कर लेता हूँ, तो ये वॉच करने के आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, पूरा वॉच कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जब पूरा वॉच हो जाएगा, इसके बाद आप कुछ सिंपल ट्रिक यूज करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बैक कर लेता हूँ। और अभी आपको जाना है आपके मोबाइल पर फाइल मैनेजर पर। ठीक है, जो फाइल मैनेजर होता है, आप ये जो देख रहे हैं फाइल मैनेजर, तो यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पर हम खोल लिया। मैं एमआई मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसे कुछ सेटिंग दिखाई देगा। ठीक है, और ये खोलने के बाद आपको ये जो साइड में थ्री डॉट दिख रहा है, ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई देगा या सेटिंग दिखाई देगा, तो आप सिंपल से वहाँ पे चले जाइए। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको किसी किसी मोबाइल पे आपको यहाँ पर ही नज़र आएगा कि शो हिडन फाइल्डर। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं, सेटिंग पर जाऊँगा, सेटिंग, और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं शो हिडन फाइल। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसको शो कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बैक। इसके बाद आपको जाना है व्हाट्सएप फोल्डर में। ठीक है, जो व्हाट्सएप फोल्डर होता है, व्हाट्सएप फोल्डर में ये आप देख रहे हैं व्हाट्सएप फोल्डर, तो आपको सिंपल से इसको खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद खोल लेना है आपको ये मीडिया। ठीक है, मीडिया खोल लिया, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर स्टेटस बोल के एक फोल्डर। सिंपल से आप इसको खोलेंगे तो आप देखिए, हम मैंने जो जो स्टेटस सीन किया था तो वो यहाँ पर सेव हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वीडियो वॉच किया था, तो ये देखिए ये यहाँ पर प्ले हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसी अलग फोल्डर में इसको मूव कर लेना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप तो जानती है 24 आवर्स के अंदर चेंज होता रहता है। चेंज होने के बाद क्या होगा, आपका इस फोल्डर से भी चला जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये इसको मूव कर लेना है। ये जो मूव है, इसको मूव करके किसी दूसरे फोल्डर में आप इसको रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ बिप फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल सी यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी आप इसको किसी को भी आप सेंड भी कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हैं। बस यही एक सिंपल ट्रिक था, और इसको अप्लाई करने के बाद आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं और अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी से मांगना भी नहीं है और किसी को बोलना भी नहीं है कि भाई मुझे ये सेंड कर दे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे कोई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।
जय हिंद, वंदे मातरम।